अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10, ये बेटा आपका लेक्चर नंबर 20 है। हम प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे कि आपको अगर प्रैक्टिकल आए तो आपने किस तरह करने हैं। अब बेटा उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए, आपको एक प्रोग्राम अगर दिया गया हो कि आपको कहा गया हो कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। अब बेटा अगर हम सबसे पहले इसको मैथमेटिकली देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए, तो बेटा रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। जब भी कोई प्रोग्राम लिखना है इस तरह का तो बेटा हमें उसका मैथमेटिकली पहले हमें सॉल्व कर लेना चाहिए कि वो मैथमेटिकली सॉल्व किस तरह होता है, फिर उसको हम इजीली कोडिंग में लिख सकते हैं। अब जब बेटा फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो सबसे पहले हमें लेंथ और विड्थ का पता होना चाहिए। हम जब इसका बेटा एल्गोरिथम लिखेंगे, एल्गोरिथम में सबसे पहले आपको पता है स्टार्ट किया जाता है स्टेप 1 पे, स्टेप 2 पे हम लेंथ और विड्थ तो हमें नहीं पता, हम उससे इनपुट लेंगे लेंथ और विड्थ का, उसे कहेंगे इनपुट लेंथ एंड विड्थ, यानी हमें उसकी लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है वो बताओ। जब वो बेटा हमें लेंथ और विड्थ बता देगा तो उसके बाद आपको पता है एल्गोरिथम में जब वो कैलकुलेट करना होता है उसकी जगह हम कंप्यूट लिखते हैं, जिसको कैलकुलेट करना क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। जब बेटा हम ये कंप्यूट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो साथ में फिर इसको प्रिंट कर देंगे क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना था। जब एरिया फाइंड कर लिया तो साथ में हम उस एरिया को बेटा प्रिंट कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। इसी अगर एल्गोरिथम के बेटा हम फ्लो चार्ट में लिखें तो उसने लिखा हुआ है, फ्लो चार्ट भी आपको पता है हमेशा स्टार्ट से शुरू किया जाता है, स्टार्ट उसके बाद ये आप जो है इसका इनपुट लेंगे, पैरेललोग्राम शेप के अंदर इनपुट लिया लेंथ और विड्थ को, और फिर बेटा रेक्टेंगल शेप में आप उसका कंप्यूट करेंगे एरिया। एरिया कंप्यूट करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। जब आप बेटा एरिया भी कंप्यूट कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे आप उस एरिया को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एरिया, और वो आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। अब इसी को बेटा इन्हीं दो को देख के अगर हम प्रोग्राम लिखें तो प्रोग्राम में बेटा ये CLS का मतलब होता है क्लियर करना। अगर आप इसको लिख दें ठीक है, ना भी लिखें फिर भी ठीक है। तो लाइन जब हमने बेटा प्रोग्राम हमारा स्टार्ट कर लिया तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ और विड्थ होनी चाहिए। तो लेंथ और विड्थ के लिए हम यूज़र से इनपुट मांगेंगे, इनपुट ये डबल कॉमास में इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ इंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, कि हमें लेंथ बताओ, और ये वेरिएबल लेंथ है जिसके अंदर ये वैल्यू ली जाएगी यूज़र से। जब बेटा लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, लेंथ हम उससे ले लेंगे, यूज़र से हमारे पास लेंथ आ जाएगी, तो फार्मूले में दूसरी चीज़ बेटा विड्थ होती है, विड्थ होनी है, तो वो हम यूज़र से उसी तरह सेम उसी तरह उससे हम विड्थ जो है वो मांगेंगे कि उसकी वैल्यू बताओ। जब बेटा वो हमें लेंथ और विड्थ दोनों की वैल्यू दे देगा तो फिर हम बेटा क्या करेंगे एरिया कैलकुलेट करेंगे लाइन नंबर 40 पे, लेट एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। जब बेटा एरिया भी कैलकुलेट कर लिया तो फिर एरिया हमने स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे डबल कॉमास में इन्वर्टेड में लिखा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया। अब ये एरिया वेरिएबल है जिसके अंदर हमने बेटा एरिया को कैलकुलेट किया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करके, जिसमें हमने एरिया को कैलकुलेट किया था। ये था बेटा प्रोग्राम। अब तीनों में से कोई एक चीज़ भी आपसे वो पूछ सकता है। जब आपने प्रोग्राम लिख दिया तो बेटा फिर उसको रन किया, जब रन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह शो होगा कि आपके पास सबसे पहले आएगा जब प्रोग्राम का रन होगा तो आपको यूज़र को कहेंगे कि इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा उसने लेंथ 4 एंटर कर दी है। उसके बाद आप फिर क्या करेगा, कंट्रोल आगे शिफ्ट होगा लाइन नंबर 30 पे और वहाँ जाके कहेगा इंटर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो आपने फॉर एग्जांपल विड्थ यूज़र ने 5 कर दी है, तो 4 मल्टीप्लाई 5 20, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20 आ जाएगा। अब बेटा वो आपसे इन तीनों में से कोई एक चीज़ पूछ सकता है या दो चीज़ें पूछ सकता है, तीनों में तीन भी पूछ सकता है आपसे प्रैक्टिकल के लिए, तो आपको ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। ये था आपका आज का प्रैक्टिकल कि आपने प्रोग्राम लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए, कोड लिखना है वो आपने लिख कोड के एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस तरह बेटा आपसे एरिया ऑफ स्क्वायर भी पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी पूछा जा सकता है, सर्कमफेरेंस ऑफ रेक्टेंगल, सर्कमफेरेंस ऑफ आपसे स्क्वायर भी पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ सर्कल भी पूछा जा सकता है, कोई भी कोड लिखवाया जा सकता है। वो सेम इसी तरह है, बस आपको फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला आता होगा तो आप उसको लिख सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।